हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग चैप्टर फोर्थ स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था मोशन इन अ प्लेन में हम लोगों ने वेक्टर स्टडी किया, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया, सर्कुलर मोशन स्टडी किया, प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल स्टडी किया। अब हम चैप्टर 5 स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके आज फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि वेट क्या होता है किसी बॉडी का, वेट का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, अपेरेंट वेट क्या होता है, ट्रू वेट क्या होता है, जब किसी लिफ्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो कब उसे अपना अपेरेंट वेट ट्रू वेट से ज़्यादा फील होता है, कब उसे अपेरेंट वेट ट्रू वेट से कम फील होता है, कब उसे अपना अपेरेंट वेट जीरो फील होता है, आज ये डिफरेंट डिस्कशन हम करेंगे। तो हमारा डिस्कशन है अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन अ लिफ्ट। किसी लिफ्ट या एलिवेटर के अंदर अपेरेंट वेट क्या होगा। लिफ्ट या एलिवेटर को 1911 में ओटिस ने इन्वेंट किया था। तो आइए हम देखें कि लिफ्ट या एलिवेटर के अंदर किसी चीज़ का अपेरेंट वेट कैसे निकालते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट, हाउ वी कैन डिफाइन द वेट, हाउ वी फील द वेट, हाउ वी मेजर द वेट। वेट क्या होता है, वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेट को हम फील कैसे करते हैं, वेट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, वेट स्केलर है या वेक्टर है, ये कई क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे होंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं वेट क्या है। आप किसी भी चीज को उठाते हो तो वो वजन महसूस होती है। देखिए, जैसे हम इसको उठा रहे हैं तो हमें वजन महसूस हो रही है। तो कोई चीज़ जो वो जो वजन महसूस होती है, वो वजन का महसूस होना वो उसके वेट की वजह से होता है। और आपको पता है कि अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ऐसा वो अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से करती है। तो जब अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी तो उस अट्रैक्शन की वजह से वो चीज़ आपको भारी महसूस होती है या हल्की महसूस होती है। अगर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो आपको भारी महसूस होगी, कम अट्रैक्शन होगा तो आपको हल्की महसूस होगी। तो किसी भी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है या जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वही उसका वेट कहलाता है। तो वेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ए बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी पर अर्थ की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है उसी को उस बॉडी का वेट कहते हैं। और जब ये फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ, जिसको हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। और इसकी एसआई की यूनिट क्या है, न्यूटन। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। तो किसी भी चीज़ का वेट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये एक फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। एक गिवन प्लेस पर एक गिवन बॉडी के लिए वेट कांस्टेंट होता है, क्योंकि W इक्वल टू होता है m इंटू जी, जहाँ m उस बॉडी का मास है, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जिस प्लेस पर आप वेट की बात कर रहे हो उस प्लेस पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, जी, ये डिसाइड करेगा, और उस बॉडी का मास कितना है ये डिसाइड करेगा कि उस बॉडी का वेट कितना होगा।
अगर बॉडी का मास चेंज कर दोगे तो वेट चेंज हो जाएगा, मास डिक्रीज कर दोगे वेट डिक्रीज कर जाएगा, मास इंक्रीज कर दोगे वेट इंक्रीज कर जाएगा, और जी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी तो वेट डिक्रीज हो जाएगा, जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, और जी अगर जीरो हो जाएगा तो वेट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी बॉडी का वेट दो बातों से डिसाइड होता है, एक उस बॉडी का मास कितना है जो कि कांस्टेंट रहता है, वो प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम वेरी नहीं करता है, दूसरा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। जिस प्लैनेट पर जहां पर आप वेट का मेजरमेंट कर रहे हैं उस प्लेस पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है वो डिसाइड करेगा। तो एक गिवन प्लेस के लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो एक गिवन प्लेस पर एक गिवन बॉडी का मास कांस्टेंट होगा। हाँ, आप प्लेस चेंज कर देंगे, प्लेस चेंज करने मतलब इतना इतने डिस्टेंस चेंज कर देंगे कि जी चेंज हो जाए तो वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्लेस आपका 5 किलोमीटर से कम है तो जनरली जी में चेंज हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वेट में चेंज हम नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वेट क्या है। एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी मैन का या किसी ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट किसी लिफ्ट या एलिवेटर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एपरेंट वेट क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज वेट ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का वेट क्या होता है। देखिए आंसर क्या है, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है, ये यम मास की कोई बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ एफ इक्वल टू यम जी, एफ जी इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू यम जी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, यही अट्रैक्शन फोर्स इसका ट्रू वेट है, यही अट्रैक्शन फोर्स इसका ट्रू वेट है। तो देखिए द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। वो अट्रैक्शन फोर्स जिस अट्रैक्शन फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वो उसका वेट कहलाती है। एफ जी इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, यम इसका मास है, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहाँ के देखने से आप देखिए इसका मतलब वेट दो बात फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक उस बॉडी का मास कितना है, एक जिस प्लेस पर आप वेट मेजर कर रहे हो उस प्लेस पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। अगर मास इंक्रीज हो जाएगा तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, मास डिक्रीज हो जाएगा तो वेट डिक्रीज हो जाएगा। मास प्लेस टू प्लेस नहीं चेंज होता है, टाइम टू टाइम नहीं चेंज होता है। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मास चेंज हो जाएगा, लेकिन एक गिवन बॉडी के लिए मास कांस्टेंट होता है। अब बात आई जी, जी जो है जी ये कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब भी आप अर्थ के सरफेस से 5 किलोमीटर से कम हाइट पर हो तो जी का वेरिएशन इतना कम होता है कि हम जी के वेरिएशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम जी को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जब भी आप अर्थ के सरफेस से ऊपर या अर्थ के सरफेस से नीचे जाएं, अगर 5 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में है या हाइट में है तो उस केस में जी कांस्टेंट होता है, तो हम मान सकते हैं कि वेट कांस्टेंट है। ओके, अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, रीजन की ये फोर्स है और फोर्स तो एक वेक्टर होता है तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट की डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, ये एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ द वेट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड, किसी बॉडी का वेट कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेट, देखिए हम वेट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, वेट का मेजरमेंट करने के लिए हम उस बॉडी को किसी सरफेस पर रख देते हैं, जैसे इस समय हम जमीन पर ग्राउंड पर खड़े हुए हैं तो हम ग्राउंड के कंटेक्ट में हैं। अब ग्राउंड को अपने वेट की वजह से प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो ग्राउंड भी हमें होल्ड करने के लिए, हमें रोकने के लिए हम पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। तो हम जो ग्राउंड को प्रेस कर रहे हैं वो तो हमारा जो है वेट की वजह से कर रहे हैं, और ग्राउंड हम पर रिएक्शन अप्लाई कर रही है, तो ग्राउंड जो हम पर रिएक्शन अप्लाई करेगी उसी का मेजरमेंट हम करते हैं, वही हमारा वेट होता है। तो कोई भी बॉडी जिस सरफेस के कांटेक्ट में रखी होती है वो सरफेस जितना रिएक्शन अप्लाई करता है उस बॉडी पर, वही रिएक्शन उसके वेट का मेजरमेंट होता है। तो देखिए
हाउ द वेट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड, किसी बॉडी के वेट को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट इज मेजर्ड बाई द रिएक्शन ऑफ द सर्फेस ऑन विच द बॉडी इज प्लेस्ड। वेट जो है कोई भी बॉडी जिस सर्फेस पर रखी होती है उसके रिएक्शन के द्वारा हम वेट का मेजरमेंट करते हैं। दिस इज द वेट ऑफ वी फील, ये वो वेट होता है जिसको हम फील करते हैं, इसी को हम अपेरेंट वेट कहते हैं। इट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट। Apparent weight may be equal to or not equal to true weight, depends upon the reaction of the surface. अब आपका जो apparent weight है वो आपके true weight के बराबर, true weight कहते हैं जिस force से अर्थ attract करती है आपको, तो आपका apparent आपके true weight के equal होगा या नहीं होगा ये depend करता है कि reaction force क्या आपके weight के बराबर है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ये reaction force decide करेगा कि रिएक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा या कम लग रहा, ये डिसाइड करेगा। आइए हम केस वन देखते हैं। इस वेट ऑफ ए मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट, जब भी कोई लिफ्ट रेस्ट में होती है तो उस केस में उसके अंदर जो भी मैन होगा, जो भी बॉडी होगा, उससे अपना अपेरेंट वेट अपने ट्रू वेट के इक्वल फील होता है। इन दिस केस अपेरेंट वेट इज इक्वल टू द ट्रू वेट ऑफ बॉडी। तो जब भी कोई लिफ्ट रेस्ट में होती है या स्टेशनरी होती है तो उसके अंदर जो भी बॉडी होती है, जो भी मैन होते हैं, उन्हें अपना अपेरेंट वेट अपने ट्रू वेट के इक्वल फील होता है, ना उन्हें अपना वेट इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं फील होता है। ये देखिए कोई एक लिफ्ट है, इसके अंदर ये मैन है, ये इस लिफ्ट को प्रेस करेगा ये, और लिफ्ट इस पर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। ये देखिए ये mg फोर्स से ये प्रेस कर रहा लिफ्ट को, ये रिएक्शन फोर्स r अप्लाई हो रहा। अब ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब नेट फोर्स देखते हैं, जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, रेस्ट में हो, उस केस में चाहे आप r माइनस mg करिए चाहे mg माइनस r करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो r माइनस mg f नेट, नेट फोर्स देखें, जब भी किसी बॉडी पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो नेट फोर्स निकालने के लिए कम में से ज़्यादा वाले को माइनस कर दे, ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर दोनों सेम है, आर माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए, ए जीरो है तो जीरो हो जाएगा, आर इक्वल टू एम जी इक्वल टू ट्रू वेट हो जाएगा। इस केस में बॉडी का अपेरेंट वेट उसके ट्रू वेट के इक्वल होगा जो कि एम जी के इक्वल होगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई लिफ्ट रेस्ट में हो या स्टेशनरी हो, उसके अंदर जो भी मैन होगा, जो भी बॉडी होगी, उसे अपना अपेरेंट वेट अपने ट्रू वेट के इक्वल फील होगा। अब आइए केस सेकंड देखते हैं। मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रही है। देखिए यहाँ पर एक लिफ्ट है जो कि आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। हम चाहे अपवर्ड मोशन कंसिडर कर लें चाहे डाउनवर्ड कंसिडर कर लें, ये अपवर्ड मूव कर रही, ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब इन दोनों केस में इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इसके अंदर जो बॉडी रखी उसका भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगेन इन दिस केस द अपेरेंट वेट इज इक्वल टू द ट्रू वेट ऑफ बॉडी। इस केस में भी उस बॉडी को जो अपेरेंट फील होगा वेट, उसके ट्रू वेट के इक्वल फील होगा। इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज जीरो, तो अब आर माइनस ये एम जी हो गया डाउनवर्ड, ये रिएक्शन फोर्स अपवर्ड हो गया। आर माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए, ए कितना है जीरो, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं लिफ्ट में, तो R माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए, तो R इक्वल टू एम जी हो जाएगा, तो W अपेरेंट हो जाएगा, W ट्रू इक्वल टू एम जी आ जाएगा। इस केस में भी ट्रू वेट अपेरेंट वेट के इक्वल होगा। इससे कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी कोई लिफ्ट या एलिवेटर या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो उस केस में उसके अंदर जो भी बॉडी है, जो भी मैन है, उसे अपना अपेरेंट वेट अपने ट्रू वेट के इक्वल फील होगा, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। ओके, आइए हम केस थर्ड की बात करते हैं। जब कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड चलती है, फिर केस फोर्थ की बात करते हैं, जब कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड चलती है, फिर केस फिफ्थ की बात करते हैं, जब उसकी स्ट्रिंग को तोड़ दिया जाता है, ब्रेक्स हो जाती है, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह होती है, तब क्या होता है। आइए हम डिफरेंट केसेज की बात करते हैं, उस केस में कितना इसका वेट होगा ये हम देखेंगे।